गाइज वेलकम ऑन एडु टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों आपके अपने चैनल एडु टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। हमारे तीन चैनल हैं, एडु टेक्नोमित्रा, एमजे मित्रा एंड एडुला मित्रा। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठा। आज हम एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आपको पता है कि कल 6 अगस्त 2022 को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और कल ही काउंटिंग होने की उम्मीद है। मार्गरेट अलुआ और जगदीप धनखड़ जो है इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। मार्गरेट अलुआ यूपीए की उम्मीदवार है और जगदीप धनखड़ जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब ये थोड़ा आपको ब्रीफ बता देते हैं। टेन्योर ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी जो प्रेजेंटली जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू हैं, उनका टेन्योर अगस्त 10 2022 को खत्म होने जा रहा है। तो उससे पहले इलेक्शन कराना जरूरी था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि 6 तारीख को पोल होगा। नॉमिनेशन वगैरह फाइल हो चुके हैं और कल वोटिंग हुई। बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है होल्डिंग पावर इन द सेंटर एज नॉमिनेटेड श्री जगदीप धनखड़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एज इट्स कैंडिडेट। ऑन द अदर हैंड द यूपीए लेड ओपोजिशन एज पिक्ड मार्गरेट अलुआ एज इट्स कैंडिडेट। दोनों ही कैंडिडेट गवर्नर रह चुके हैं कई स्टेट्स में और दोनों ही कैंडिडेट काफी कम्पिटिटिव है। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बाद ये सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, एंड द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते। अब नेक्स्ट शीट चल। ये मिसिज मार्गरेट अलुआ है जो यूपीए की कैंडिडेट है, मार्गरेट अलुआ, और ये जगदीप धनखड़ जी है जो एनडीए के कैंडिडेट। श्री जगदीप धनखड़ बिकॉज ऑफ द सुपीरियर नंबर्स ऑफ द एनडीए इज गेटिंग हैवी सपोर्ट, बट मार्गरेट अलुआ इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू गेट सपोर्ट फॉर हरसेल्फ एंड इज अपीलिंग टू ऑल द एंटी बीजेपी पार्टीज टू सपोर्ट हर इन द इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑन 6 अगस्त 2022। शी हैज एन अपहिल टास्क इन हर हैंड एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एनी काइंड ऑफ अनफोर्सिन सरप्राइज, अगर कोई अनफोर्सिन सरप्राइज हो जाता तो जीत सकती है, नहीं तो जगदीप धनखड़ जी की पोजिशन काफी साउंड है। अप ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द पोल रिजल्ट ऑन अगस्त 6, ये कल ही है अगस्त 6, कल देखते हैं अब कौन जो भारत का अगला उपराष्ट्रपति होता है। ये हिंदी में है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट शीट। अब हम बताएंगे जो पार्टीज हैं सपोर्टिंग जगदीप धनखड़ जी को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद जनता दल है, शिवसेना, बीजू जनता दल, युवा जन श्रमिक रायडू, कांग्रेस। शिवसेना के दो गुट है, एक नाथ शिंदे गुट है, इनको धनखड़ जी को सपोर्ट कर रहा है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK कहते हैं शॉर्ट में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेवाल, नेशनल पीपल पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, ये सब बीजेपी के अलाइज हैं। और 11 नंबर पर मिजो नेशनल फ्रंट, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अट्ठावले सरकार में शामिल भी है, असम गण परिषद, पट्टाली मक्कल कच्छी, तमिल मनीला कांग्रेस, मुपनार, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। इस तरह करके 19 पार्टी धनखड़ जी को सपोर्ट कर रही हैं। पार्टीज लाइकली टू सपोर्ट जगदीप धनखड़, ये पार्टियां जगदीप धनखड़ जी को वोट कर सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बहुजन समाज पार्टी मायावती की, तेलुगु देशम पार्टी नायडू की, शिरोमणि अकाली दल पंजाब से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये 6 पार्टी ऐसी हैं जिनकी संभावना है कि ये जगदीप धनखड़ जी को अपना सपोर्ट प्रदान करें। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड वीडियो है, हमें पता होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। चैनल को एडु टेक्नोमित्रा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर। अब हम बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टीज मार्गरेट अलुआ जी को समर्थन दे रही है। नंबर 1 इंडियन कांग्रेस, ये यूपीए को लीड कर रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। नंबर 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS, समाजवादी पार्टी अखिलेश की, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, शिवसेना उद्धव ठाकरे। 10 पार्टियां ये होगी, आगे हम देखते हैं और भी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। मारूम लारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की, ये भी राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML एक मौलाना है, ये उनकी पार्टी है। और 14 नंबर पर केरला कांग्रेस
कांग्रेस मनी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला है, विद्युत लाई किरू थेगल कांची VCK ये भी सपोर्ट कर रही है इनको, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये भी इनको कर रही है सपोर्ट, और अंचलिक गण मोर्चा, ये 18 पार्टीज हैं जो मार्गरेट अलवा जी को सपोर्ट कर रही हैं। आइए अब ये देखते हैं कि पार्टीज लाइकली टू सपोर्ट मार्गरेट अलवा, ऐसी ये 4 पार्टियां हैं जो मार्गरेट अलवा जी को सपोर्ट कर सकती हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये ओबीसी की पार्टी है, AIMIM आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी है, और ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये भी आसाम की पार्टी है, कोई जनता दल सेकुलर JDS ये कर्नाटक की पार्टी है। ये 4 पार्टियां मार्गरेट अलवा जी को सपोर्ट प्रदान कर सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक अनडिसाइडेड पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, इस ये अभी दुविधा में है किसको सपोर्ट करें किसको नहीं करें, ये वोटिंग कल वोटिंग वाले दिन ही पता लगेगा किसको सपोर्ट करें। एब्सटेंडिंग पार्टी जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, वो एब्सटेन करने के मूड में है क्योंकि जगदीप धनखड़ जी का सपोर्ट नहीं कर सकती, उसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, और कांग्रेस ने उसके प्रेसिडेंट कैंडिडेट को सीरियसली नहीं लिया था, और उससे उनके दोनों थोड़े मतभेद से हैं, ममता जी नाराज हैं उससे, और इन दो कारणों से, नंबर एक तो चाहती हैं कि धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद से वो हट जाएं, उसके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे, दूसरा जो है ये कांग्रेस ने उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट को सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए दो कारणों से वो धनखड़ जी को सपोर्ट तो कर नहीं सकती, इसलिए वो एब्सेंट रहेंगी, और ये भी जगदीप धनखड़ जी के फेवर में जाएगा। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ये होता कैसे है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो MLA MPs राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन के, और MLAs जो है वो स्टेट और UT के सभी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। अनलाइक द लोकसभा इलेक्शंस ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री डज नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो ना हर व्यक्ति वोट नहीं डालता जैसे आम चुनाव में डालता या राज्यों के चुनाव में डालता। द वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड MPs MLAs ऑफ ऑल स्टेट एंड UT, वेयर एज द वोटिंग इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी डन बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा को हमें लोअर हाउस कहते हैं एंड राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। सिर्फ इन्हीं के MP वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, इसके अलावा और कोई डालेगा। हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 वोटिंग प्रोसेस एंड काउंट, वोटिंग प्रोसेस कैसे होगी और फिर काउंटिंग के बारे में, यानी ये कंक्लूजन पे आ गए हमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ए टोटल ऑफ 790 मेंबर्स आर ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी 790 वोटर हैं वो वोट डालेंगे फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 विच कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन शामिल हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और 12 नॉमिनेटेड नंबर हैं राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं, एंड 543 इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट होते हैं लोकसभा के, ये कुल मिलाकर 790 हो जाते हैं। ये 790 मेंबर्स वोटिंग करेंगे और थ्रू सेक्रेट बैलेट ऑन August 6, 2022 एंड द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर ऑन द सेम डे, और कल ही रिजल्ट आने की संभावना है। डिसाइडिंग द फेट ऑफ द मार्गरेट अलवा एंड जगदीप धनखड़, और हम कल का इंतजार ना करते हुए आज ही बता देते हैं जगदीप धनखड़ जी के 98% चांसेस हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के, क्योंकि बीजेपी लेड NDA को लोकसभा में भी बहुमत है और करीब करीब राज्यसभा में भी बहुमत के आसपास है, और अगर कोई मेजर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे और क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है, लेकिन उतने मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे जितने मार्जिन से मुर्मू जी जीती थी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। फिर भी जगदीप धनखड़ जी की क्लियर विक्ट्री है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिली, इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस ये हमारे 3 चैनल एडू टेक्नोमित्रा, MJ मित्रा और एडूलामी, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।